नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बुधवार की देर शाम ललितपुर के जिला पंचायत के पास एक बाइक सवार दो युवक ट्रक से भिड़ंत होने पर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ललितपुर लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों घायलों को झांसी रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात ललितपुर के जिला पंचायत कार्यालय के पास एक बाइक पर सवार दो युवक जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक मोटरसाइकिल से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से जिला चिकित्सालय ललितपुर में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें झांसी रेफर कर दिया। उक्त घटना में घायल युवकों के नाम ओम प्रकाश झा निवासी टौरिया मंदिर के पास नेहरू नगर ललितपुर और बंटी कटारे पुत्र सोहन लाल कटारे निवासी स्टेशन रोड के पास ललितपुर बताए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है, क्या एक्सीडेंट हो गया, कहां पर हो गया, क्या है घटना? मैं इस जगह रोज की तरह इस जगह स्टेशन जा रहा था, मैंने देखा अचानक इस जगह के एक्सीडेंट से के एक ट्रक ने बाइक वाले को मारा, तो दुर्घटना वहीं हुई तत्काल में। तो फिर हमने वहां से अपनी ही जगह गाड़ी से गए, तो फिर हम लोगों ने टैक्सी करके और जिला चिकित्सालय में लेके आए। क्या हालत है उन लोगों की? अब इस जगह हालत तो गंभीर बता रहे हैं, मगर मैंने देखा है फिर भी चल रहा है उनका उपाय। कहाँ की है घटना? ये इस जगह जिला पंचायत के पास की है। क्या नाम है आपका? राजकुमार खटीक। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।